हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 30 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। पहली जो हमारी न्यूज़ यहाँ पे आई है वो आई है कन्या सुमंगला योजना के बारे में। तो इस स्कीम के बारे में, इस योजना के बारे में हम एक एक फैक्ट है वो यहाँ पे कवर है वो करने वाले हैं। देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो कन्या सुमंगलम योजना है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई एक स्कीम है जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए है वो स्टार्ट की गई है। हमारे देश में जैसा आप जानते हैं कि फीमेल की जो रेट है, आप बोल सकते हो कि फीमेल रेशियो, मेल फीमेल रेशियो या सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम बात करें डेवलप कंट्री के मामले में, तो इसीलिए गवर्नमेंट हमारे देश में जो जो इश्यूज़ हैं कि भाई उसकी वजह से फीमेल सेक्स को काफ़ी बार मतलब प्रेशराइज़ किया जाता है या उनको जन्म के समय ही मार दिया जाता है, काफ़ी सारे ऐसे रीजंस हैं। तो उन सब से उभारने के लिए कि भाई हमारे देश में फीमेल हैं या बच्चियाँ हैं इनको भी आगे प्रमोट किया जा सके, इसके लिए यह स्कीम है वो लाई गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो हर परिवार में एक बच्ची के जन्म पे 15,000 रुपये है उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंट है, सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में किसी भी घर में एक लड़की का जन्म होता है तो गवर्नमेंट उनको 15,000 रुपये है वो प्रोवाइड करवाएगी अलग अलग किस्तों में। एक साथ 15,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, अलग अलग किस्तों में, ठीक है। एक फेज़ मैनर में रखा गया है, वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया कि भाई किस फेज़ में कितने कितने पैसे हैं वो दिए जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा देखो ये होगा कि वो गरीब परिवार जहाँ पे बच्चों की केयर ढंग से नहीं हो पाती है और उनमें माल न्यूट्रिशन एनीमिया जैसी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, उन सबको काउंटर करने के लिए, यानी कि फीमेल है, उनकी हेल्थ है, उनकी एजुकेशन है, उनको काउंटर करने के लिए या उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए यह स्कीम है, योजना है वो जारी है वो की गई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है चेन्नानी नासिरी टनल के बारे में। देखो, चेन्नानी नासिरी टनल है वो अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया, वो रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि इस टनल का नाम चेंज किया गया तो इसलिए यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चेनानी नासिरी टनल है कहाँ पे? तो देखो, ये टनल है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू से कश्मीर जाते हैं तो बीच में जो नेशनल हाईवे है कनेक्ट करने वाला वो है NH-44, और इसी NH-44 पे ही चेनानी नासिरी टनल का निर्माण है वो किया गया था। ये लगभग 9.2 किलोमीटर के लंबाई की एक टनल है जो कि जम्मू से श्रीनगर को या जम्मू से कश्मीर को काफ़ी तेज़ी से कनेक्ट है वो करती है। और एक सेकेंड, हम मैप की तरफ चलते हैं। ये देखो, आप देख सकते हो चेनानी है, जब हम जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाते हैं तो बीच में चेनानी नाम की जगह आती है। वहाँ से देखो अगर वैसे जाते हैं नॉर्मली रास्ते से तो काफ़ी टाइम लगता रहता है कूड पटनी टॉप रास्ते से, और इस रास्ते से अगर हम जाते हैं तो काफ़ी कंज्यूमिंग हो जाता है। इसीलिए इस टनल का निर्माण किया गया है कि ये जो टनल है वो चेनानी को डायरेक्टली नासिरी से कनेक्ट कर देगी सीधा। तो ये लगभग 9.2 किलोमीटर की टनल है, इससे क्या होगा कि जो बाकायदा इधर घूमने का जो रास्ता था ये बच जाएगा और लगभग 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है वो आप सेव यहाँ पे कर सकते हो। तो इसलिए यूपीएससी टनल के बारे में पूछ सकती है कि कौन से हाईवे पे है और कितनी मतलब इसके फैक्ट वगैरह लेंथ कितनी है। इसका नाम अभी चेंज किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, तो इसलिए टनल है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। तो एक तो आपको जम्मू से श्रीनगर का जो हाईवे कनेक्ट करता है NH-44, ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। देखो, बाकी तो उसके कुछ फैक्ट दिए गए हैं जैसे कि ये जो टनल है वो काफ़ी वेंटिलेटेड है, मतलब नए तरीके से बनाई गई है, इसमें डिफरेंट जगह जगह पे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है वो तैयार किया गया है इंटीग्रेटेड फॉर्म में, वीडियो सर्विलांस सिस्टम है, FM रिब्रॉडकास्ट सिस्टम है यहाँ पे, इसके साथ ही इंट्रेंस पे कोई भी गाड़ी अगर जाती है तो उसको डिटेक्ट करने का सिस्टम है, फायर अलर्ट वगैरह रखे गए हैं। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि चेनानी नासिरी टनल है वो है कहाँ पे, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ से कहाँ ये कनेक्ट है वो करती है। अब देखो, एक छोटी सी न्यूज़ है अनअकैडमी की तरफ से कि अनअकैडमी पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो आप रेफ़र कोड यूज़ कर सकते हो देवेंद्र सिंह 27, इससे आपको कोई भी प्रोग्राम में 10% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। अगली जो हमारी न्यूज़ आई है वो आई है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। देखो, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है ये एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये यह है कि जो यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन जो कि UN की एक स्पेशल एजेंसी है, यहाँ पे आप ये बताइए कि UN की जो स्पेशल एजेंसी हैं वो किसके अंडर आती हैं? जैसे आपको ध्यान होगा UN के मेनली 6 ऑर्गन हैं, यूनाइटेड नेशन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह वगैरह। तो इससे आपको बताना है कि जो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं वो कौन से के अंडर आती हैं,
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी न्यूज़ में क्यों है, पहले तो हम वो देखते हैं। अभी न्यूज़ में इसलिए आई है कि देखो, लगभग 27 अगस्त से लेके और अभी तक क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान है, इसने इंडिया की जो पोस्टल सर्विसेज थी पाकिस्तान जाने वाली, उनको अभी सस्पेंड है वो कर रखा था। तो इसी को लेके जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसी को लेके कुछ गाइडलाइंस वगैरह न्यूज़ आई थी भी, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। देखो, यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन है, पहली बात तो हमने कवर की कि यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है जो कि अलग अलग कंट्री के जो पोस्टल पॉलिसीज़ हैं इनको आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड पे या वर्ल्ड वाइड लेवल पे पोस्टल सर्विस हैं उनको कंटिन्यू या मेंटेन किया जा सके। इससे 1874 में इसको स्थापित है, स्टेबलाइज है वो किया गया था। वो ध्यान रखना, यह सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पुरानी अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जो कि बनी थी 1865 में। इसके बाद में बनी थी यूनाइटेड, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि बनी थी 1874 में। तो यह आप ध्यान रखना है कि सबसे पुरानी जो संस्था है यूएन की स्पेशल एजेंसी में, वो है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। अब यहाँ पर बात हम करें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो मेंबर कंट्री हैं उनकी संख्या है 192। इसका काम क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पोस्टल सेक्टर है अलग अलग कंट्रीज़ के, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करने का काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए भी न्यूज़ में आई है, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है उल्लारू के बारे में। देखो, उल्लारू है वो एक एंशियंट सैंडस्टोन है, मतलब सैंडस्टोन का एक मोनोलिथ है जो कि कहाँ पे, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। तो इस पे यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से या फिर एंशियंट हिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन ये पूछ सकती है उल्लारू के बारे में कि है क्या। तो यह सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में एक जो सैंडस्टोन है, जिसे हम बलुआ पत्थर बोलते हैं, उसी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि मतलब एक तरीके से एफिल टावर जैसी इसकी स्ट्रक्चर है वो है। काफ़ी वैसे एरिया काफ़ी ज़्यादा कवर किया गया है, बट अभी न्यूज़ में थोड़ा ध्यान रखना है इसकी। देखो, जो लेंथ वगैरह है वो यहाँ पे दी गई है कि जो रॉक ये चट्टान है इसकी लेंथ है, वो है लगभग 9.4 किलोमीटर। इसी के साथ ही इतना एफिल टावर के समथिंग इसकी लंबाई है, हाइट वगैरह है मतलब। तो ये फैक्ट हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उल्लारू के बारे में कि भाई ये एक सैंड स्टोन है जो कि सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में है। न्यूज़ में क्यों रहा है, न्यूज़ में इसलिए रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ की कुछ आदिवासी ट्राइब्स हैं जो कि इस उल्लारू को वहाँ पे हम बात करें तो एक मतलब पवित्र स्थान मानती हैं, तो उनका अभी ये कहना था कि भाई जो बाकी पर्वतारोही वगैरह आते हैं या फिर हम बात करें जो और माउंटेन क्लाइंबर्स लोग हैं बाहर के, वो इस पे ना चढ़ें क्योंकि ये हमारा धार्मिक स्थल है, इसलिए बाकी लोगों को इस पे जाना बैन है, वो कर दिया गया है। मतलब ये फेमस इसलिए रहता है उल्लारू क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो माउंटेन ट्रेकर्स हैं वो इस पे चढ़ाई है वो करते हैं, इसीलिए ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। बट अभी वहाँ के जो धार्मिक या हम बात करें आदिवासी लोग हैं, उनका एक धार्मिक स्थल होने की वजह से इसको बाहर के जो लोग हैं, हम बात करें कि जो और अदर कम्युनिटी है, उनके लिए परमानेंटली क्लोज कर दिया गया कि भाई वो इस पर चढ़ाई ना करें, इसीलिए न्यूज़ में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है विश्व शांति स्तूपा के बारे में, यानी कि वर्ल्ड पीस पगोड़ा के बारे में। देखो, पहले फैक्ट तो ये है कि अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में अभी इसलिए है क्योंकि इसकी गोल्डन जुबली है वो अभी, यानी कि विश्व शांति स्तूपा को बने हुए 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसीलिए इसकी जो गोल्डन जुबली ईयर है वो अभी मनाया जा रहा है। कहाँ पे ये, यह देखो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीस पगोड़ा है जो कि रत्नागिरी हिल्स में है। रत्नागिरी जो हिल्स हैं उनकी चोटी पे बना हुआ है और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीस पगोड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आपके दिमाग में देखो पगोड़ा वर्ड सुन के चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ऑब्वियसली है बुद्ध, जो बुद्धिज्म है या बुद्धिस्ट साइट है, मतलब बुद्धिज्म से बिलोंग है वो करती है। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखो, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो रत्नागिरी हिल्स में ही हुई थी, इसीलिए रत्नागिरी हिल्स है वो है कहाँ पे, राजगीर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राजगीर कहाँ पे है, ये मेनली आज का जो बिहार वाला एरिया है वहाँ पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व शांति स्तूपा जो कि बिहार में है, ये अभी न्यूज़ में आया है क्योंकि इसको बने हुए 50 साल हो गए हैं और यह विश्व का सबसे हाईएस्ट पीस पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पहली बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी, यही राजगिरी में ही हुई थी।
इसी के साथ हम बात करें तो जो लॉर्ड बुद्धा थे उनको जो महापरिनिर्वाण, जिस तरीके से हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति होती है उसी तरीके से बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाणम की प्राप्ति की जाती है, तो वो उनको यहीं पे राजगीर में ही मिला था, इसीलिए राजगीर इनका एक होली प्लेस या धार्मिक स्थल है वो हो जाता है बुद्धिज्म का। अब देखो जो राजगीर जो जगह है इसको बेसिकली दूसरा एक नाम है वो है यहाँ पे पंच पहाड़ी, पंच पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो राजगीर है इसके पास पांच होली या हम बात करें धार्मिक पहाड़ियाँ हैं, तो इसलिए इनको पूर्व को मिला के पंच पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करें थोड़ी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, तो आपने सुना होगा लॉर्ड बुद्धा के बारे में। तो लॉर्ड बुद्धा को जो इनलाइटमेंट यानी कि जो प्रबोधन या हम बात करें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो यहीं पे प्राप्ति हुई थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आ जाता है। अगर हम और हम फैक्ट की बात करें तो देखो आपने मगध साम्राज्य का नाम सुना होगा जो कि लगभग 5 सेंचुरी के आसपास बना था, 5वीं शताब्दी के आसपास था मगध साम्राज्य। उस मगध साम्राज्य की कैपिटल थी वो भी यहीं थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मगध साम्राज्य की कैपिटल है वो कहाँ पे थी, भले राजगीर में। इसके बाद में जो मगध साम्राज्य के बाद में जो और रूलर आए जिनका नाम था अजात शत्रु, तो अजात शत्रु ने क्या किया, मगध साम्राज्य की जो कैपिटल थी राजगीर है इसको चेंज करके उन्होंने पाटलिपुत्र है वो कर दिया गया, और आज पाटलिपुत्र को पटना नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आज का पटना है उसका पुराना नाम था पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्र है वो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इस राजधानी को किसने बनाया था, अजात शत्रु ने। पहले देखो जैसा मैंने आपको बताया कि मगध साम्राज्य की जो स्टार्टिंग की राजधानी थी पुरानी वो थी राजगीर, इसके बाद में जो ही अजात शत्रु राजा बने तो उन्होंने क्या किया, जो राजधानी थी राजगीर से इसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र, और इसीलिए बाद में इसका नाम है वो पटना यहाँ पे कर दिया गया। तो कुछ फैक्ट आपको हिस्ट्री के ध्यान में यहाँ पे रखने हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इसलिए आ जाता है क्योंकि जो लॉर्ड महावीर थे बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने जीवन के लगभग जो 14 इम्पोर्टेंट साल थे वो राजगीर में ही बिताए थे, इसलिए ये बुद्धिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह हो जाती है राजगीर, और ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि जो विश्व शांति स्तूपा हैं ये ऐसा नहीं कि इंडिया में एक ही हैं, ये लगभग 7 ऐसी स्तूपा हैं, 7 ऐसी आर्किटेक्चर हैं वो इंडिया में बनाई गई हैं, बट जो सबसे ऊंचा है सबसे हाईएस्ट है वो है विश्व शांति स्तूपा जो कहाँ पे है, रत्नागिरी हिल्स में है। रत्नागिरी हिल्स कहाँ पे है, राजगीर में है। तो ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। देखो करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए या फिर इसको रोड ऑफ पीस के नाम से भी जाना जा रहा है। यह क्या काम करेगा, पाकिस्तान में देखो एक गुरुद्वारा है गुरुद्वारा दरबार साहिब, और इंडिया में है डेरा बाबा नानक सरेंग, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम है वो इस गुरुद्वारे के द्वारा मतलब इस कॉरिडोर के द्वारा किया जाएगा। इंडिया में गुरुदासपुर में है और हम पाकिस्तान में बात करें तो करतारपुर है, तो इसके बीच में कॉरिडोर बनाया गया है जो कि सिखों के लिए इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है। लगभग हर साल इंडिया से काफ़ी सारे तादाद में सिख लोग हैं वो करतारपुर जाते हैं और यहाँ पे जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा दरबार साहिब यहाँ पे जाके विजिट हैं वो करते हैं। तो इसीलिए भी इंडिया और पाकिस्तान ने कॉरिडोर का निर्माण किया कि भाई इंडिया के जो लोग हैं वो बिना किसी वीजा के आराम से इंडिया से करतारपुर साहब जो कॉरिडोर के थ्रू गुरुद्वारे तक एक्सेस कर सकें। तो एक तो ये ध्यान रखना कि करतारपुर जो कॉरिडोर है ये करतारपुर गुरुद्वारे के लिए बनाया गया है और ये रावी रिवर के किनारे पे है। यूपीएससी ये पूछ सकती है कि जो करतारपुर गुरुद्वारा है ये कहाँ पे है, रावी रिवर के किनारे पे है और लाहौर से इसकी जो दूरी है वो है लगभग 120 किलोमीटर के आसपास। इम्पोर्टेंट क्यों है ये गुरुद्वारा करतारपुर गुरुद्वारा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सिखों के इम्पोर्टेंट जो गुरु थे गुरु नानक, उन्होंने अपने जीवन के जो लगभग 18 इम्पोर्टेंट साल थे वो यहीं पे बिताए थे। मतलब जब उनकी डेथ हुई थी 1539 में, उससे पहले उन्होंने जो अपने 18 साल थे इम्पोर्टेंट वो करतारपुर गुरुद्वारे के में ही बिताए थे, इसीलिए बाद में यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया, वो एक इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है वो हो जाता है। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ फैक्ट वगैरह पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है इंडीजन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। देखो इंडीजन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या, जीनोम का मतलब होता है जीन की स्टडी एक सीक्वेंस में की जाती है उसको कहते हैं जीनोम। और जीन क्या होते हैं, जीन हमारे शरीर की जो भी आनुवंशिक या हमारे जो हम बात करें कि हमारे पेरेंट्स हैं वहाँ से जो भी मतलब उनके गुण हैं क्वालिटी हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थापित हैं वो करते हैं, वो होते हैं जीन।
अभी देखो जो इंडी जीन जीनोम प्रोजेक्ट है ये इंडिया का एक प्रोजेक्ट है। वो इस प्रोजेक्ट का मोटो ये था कि भाई हमारे देश में जो भी जितने भी लोग हैं ना इनकी जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाए एक एक पर्सन की, ताकि एक एक कम्युनिटी की। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका देखो फ़ायदा ये होगा कि अगर हम एक एक कम्युनिटी है एक एक पर्सन की जीनोम या जीन की स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे देश में किस तरह की तो बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। या फिर एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के जीन की स्टडी की गई तो उससे पता चल जाएगा कि भाई इस पर्सन की में इस तरह की बीमारियां हैं, इस तरह के डिसऑर्डर वगैरह हैं, तो इसके लिए कौन सी उसके लिए दवाई है वो बनाई जा सकती है जो इसके लिए उचित सॉल्यूशन दे सके। मतलब कि प्रॉपर मेडिसिन है वो बनेगी, इससे एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा। इसी के साथ से कोई भी पेशेंट हो उसको जीन से काफ़ी सारी, अगर जैसे कि जीन डिसऑर्डर हो गया हो, जीन की सीक्वेंसिंग गलत हो गई हो, तो काफ़ी बार डिसऑर्डर की वजह से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए और एक प्रॉपर परफेक्ट टारगेट को कवर करने के लिए दवाई हैं वो बनाई जाए। इसके लिए इंडी जीन जीनोम प्रोजेक्ट है वो इंडिया में स्टार्ट है वो किया जा रहा है। देखो स्टार्टिंग में तो इसमें लगभग 10,000 लोगों के जो जीन्स हैं उनकी स्टडी की जाएगी, अलग अलग कम्युनिटी या अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स हैं इंडिया में उनकी। इसके बाद में धीरे धीरे एक एक पर्सन का टारगेट रखा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई उनकी जीन सिक्वेंसिंग की जा सके, ताकि उनको कोई भी अगर डिजीज़ वगैरह हो तो प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जा सके, उनके लिए पर्सनल या हम बात करें कस्टमाइज मेडिसिन अवेलेबल करवाई जा सकें। इसके लिए ये प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जा रहा है। अभी देखो न्यूज़ ये आई है कि इंडीजन जो जीनोम प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा CSR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। और ये अकेला ही नहीं करेगा, इसके साथ और भी एजेंसी हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटरग्रेटिव बायोलॉजी, इसी के साथ ही CSIR, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है हैदराबाद। ये कुछ संस्थाएँ मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम है वो देने वाली हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्या है वो मैंने आपको बताया कि लगभग 1,000 के आसपास नहीं, लगभग 10,000 के पास उम्मीद की जा रही है कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के जीन की सिक्वेंसिंग उनकी स्टडी की जाएगी। इससे फिर देखा जाएगा कि भाई उनमें कैसी तरह की बीमारियां हैं, कौन कौन से जीनोम्स का इश्यूज़ हैं, ताकि उनको अच्छी तरह से मेडिसिन या एक अच्छी हेल्थ लाइफ है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कोलंबो डिक्लेरेशन के बारे में। तो UPSC डायरेक्ट तो ये पूछ सकती है कि कोलंबो डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो कोलंबो डिक्लेरेशन है वो बेसिकली नाइट्रोजन चैलेंज से निपटने के लिए है, यानी कि टेकलिंग ग्लोबल नाइट्रोजन चैलेंज से निपटने के लिए कोलंबो डिक्लेरेशन है वो लाई गई है। और अभी ये जो डिक्लेरेशन है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उनके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, यानी UN के द्वारा इसे रिकॉग्नाइज है वो कर लिया गया है। देखो कोलंबो डिक्लेरेशन है ये जो टेक्निकल सपोर्ट है इसको वो दिया जाएगा इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में नाइट्रोजन के क्या हालात हैं इसके बारे में स्टडी करके, और फिर जो जॉइंट एक्टिविटी है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव है वो इसको सपोर्ट देगा। इसी के साथ ही ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। काम क्या है कि जो भी नाइट्रोजन चैलेंज आ रहे हैं आज के टाइम पे, जो भी नाइट्रोजन का एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ किया जा रहा है, चाहे हम फर्टिलाइज़र के तौर पे बात की जा रही हो या फिर और डिफरेंट मेथड से, उस सबको काउंटर करना है, उन सबको रोकना है, क्योंकि इसके काफ़ी बड़े इफेक्ट हैं वो देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट, तो उन सब रोकने के लिए। देखो कोलंबो डिक्लेरेशन का टारगेट ये रखा गया है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट है ना इसकी जो मात्रा है इसको 2030 तक हाफ करना। हाव का मतलब होता है कि जितनी आज जो मात्रा है उसको हाफ करना है। जैसे मान लो कि आज हम एक साल में लगभग, एग्जाम्पल ले लो कि 100 किलो नाइट्रोजन है वो, मतलब एक तरीके से नाइट्रोजन पोल्यूशन के तौर पे फैला रहे हैं, तो 2030 तक हमें 50 तक लेके आना है इसको, 50 kg ये टारगेट इसका रखा गया है। यानी कि जो आज इतना नाइट्रोजन पोल्यूशन हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, उसको 2030 तक हमें आधा करना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में। देखो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में चलाया जा रहा है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक मतलब सतर्कता अवेयरनेस को आप बताइए, वीक का मतलब बताइए, तो मतलब कि सतर्कता के लिए अवेयर करवाने के लिए यह वीक है वो स्टार्ट किया गया है 28 अक्टूबर से 2 अक्टूबर के बीच में। इस बार की थीम है वो रखी गई है इंटीग्रेटिंग ए वे ऑफ लाइफ, तो एक बार थीम आप एक बार नज़र मार लेना। अब हम बात करते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में। तो देखो इसका मोटो ये है कि हमारे देश में जो इंटीग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और जो अकाउंटेबिलिटी है सिस्टम की पब्लिक के लिए, इसको इम्प्रूव किया जा सके।
इसी के साथ ही हम और बात करें तो जो करप्शन फ्री सोसाइटी है वो डेवलप की जा सके। इसी के साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो एक ऑब्जर्वर विजिलेंस अवेयरनेस वीक स्थापित करता है हर साल पे, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके भाई उन किस तरीके से वो मतलब जो सॉरी यहाँ पे हम बात करें करप्शन है इसको काउंटर कर सकते हैं, कैसे कैसे उनको स्टेप उठाने हैं, अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से उनको इन चीज़ों को टैकल है वो करना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो अक्टूबर और नवंबर की स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। तो देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसको स्टार्टिंग में सेटअप किया गया था 1964 में, और उस टाइम पे संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया था और उस टाइम पे इसको एग्जीक्यूटिव पावर के तहत ही स्थापित किया गया था। बट बाद में 2003 में इसको स्टेचुरी पावर है वो दी गया, यानी कि इसको एक पार्लियामेंट का एक्ट बनाया गया और उस एक्ट के तहत इसको सर्टिफाइड है वो किया गया। ये ध्यान रखना कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसके कंपोजिशन की बात होती है, एक तो होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एक दो होते हैं यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर, मतलब कि टोटल तीन होते हैं, एक सीनियर और दो जूनियर कमिश्नर यहाँ पे। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ही अपॉइंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट तो करते हैं बट उनको कोई नाम तो सजेस्ट करेगा, तो नाम सजेस्ट करने के लिए कमेटी होती है जिसके तीन मेंबर होते हैं। कौन कौन? एक तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एक होते हैं होम मिनिस्टर और एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जो विपक्षी दल के नेता हैं वो प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं ये तीनों मिलके किसी का नाम रिकमेंड करते हैं, और उन्हीं पर्सन को फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर विजिलेंस कमीशन के तौर पर अपॉइंट है वो करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो होता है 4 साल या फिर 65 ईयर, या तो 4 साल हो कंप्लीट या फिर 65 ईयर का टारगेट इनको रखा जाता है, जो भी पहले कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं रिमूवल के बारे में। तो देखो रिमूवल के लिए कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर क्लियर हम बात करें, इस एक्ट में क्लियर मेंशन किया गया है एक्ट के तहत कि प्रेसिडेंट हैं वो ही इनका इम्पीचमेंट या इनको रिमूव कर सकते हैं, बट कंडीशन है, कंडीशन ही है या तो इनमें मिसबिहेवियर का आरोप लगा हो या फिर इनके ऊपर इनकेपेसिटी की भाई ये असक्षम है। इन दो ही कंडीशन में अगर सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ फाइनल कर देता है कि हाँ भाई ये मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी है इस पर्सन में, तभी उसको इम्पीचमेंट या उसी को रिमूव है वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि इनका जो इम्पीचमेंट या रिमूवल की प्रोसीजर है वो किस आधार पर की जाती है, तो इनकेपेसिटी और मिसबिहेवियर के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है WTO के बारे में। देखो WTO में जैसे कैटेगरी होती है डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री, तो ये कैटेगरी कैसे कौन डिसाइड करता है उसी को लेके न्यूज़ आई है। तो पहली बात आपको बता दूं, न्यूज़ अभी आई है कि साउथ कोरिया ने अपने आप को डेवलपिंग कंट्री के टैग से हटा के डेवलप कंट्री के टैग में पुट कर लिया है। तो इससे एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि साउथ जो कोरिया है वो अब डेवलप कंट्री में काउंट होने लग गया है। और अगर हम बात करें कुछ फैक्ट की, तो कोई भी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है या नहीं है या डेवलप कंट्री है नहीं है ये डिसाइड करने का काम उसी कंट्री का होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ छूट दी जाती हैं, ये आपको पता ही है, जैसे कि इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री में है, इवन चाइना भी आज तक डेवलपिंग कंट्री में ही है, तो इनको कुछ एग्रीकल्चर और सब्सिडी वगैरह होती हैं ये सब प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ छूट दी जाती हैं, कुछ कंसेशन है वो इनको मिलता है। आपको ध्यान होगा इसी बात को लेके जो यूएसए है वो WTO में बार बार आरोप लगाता है इंडिया और चाइना पर कि भाई ये दोनों ही कंट्री हैं वो अपने जो डेवलपिंग कंट्री का जो टैग है इसका मिसयूज़ कर रही हैं और किसानों को ज़्यादा सब्सिडी वगैरह देती हैं, जिससे कि वर्ल्ड में जो ट्रेड है इसमें इनस्टेबिलिटी है वो पैदा होती है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि कोई WTO खुद नहीं कहता है कि भाई आप डेवलप कंट्री में हो या डेवलपिंग में हो, ये कंट्री को खुद को डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी कैटेगरी में है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई कंट्री डेवलप जैसे कि डेवलपिंग में आ जाती है, मतलब वो कैपेबल तो है डेवलप के लिए और वो डेवलपिंग में आती है, तो उस दौरान जो बाकी अदर कंट्री हैं वो इस पे इश्यूज उठा सकती हैं, क्वेश्चन उठा सकती हैं WTO में कि भाई ये कंट्री फ़ायदा लेने के लिए ऐसा कर रही है, तो उस पर फिर एक्शन लिया जाता है। बाकी कंट्री को खुद को डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी लिस्ट में आती है। देखो जो साउथ कोरिया है वो एशिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और 1995 से वो डेवलपिंग कंट्री के टैग में थी, अब वो डेवलप कंट्री में आ चुकी है। तो ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। वैसे WTO ने कोई डेफिनेशन नहीं बना रखी है कि डेवलपिंग कंट्री कौन सी है या डेवलप कंट्री कौन सी है, खुद को ही डिसाइड ये मेनली करना होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू के बारे में, AGR, यानी कि समायोजित एकल राजस्व है, समायोजित सकल राजस्व है। तो क्या है ये हम देख लेते हैं। देखो
वोडाफोन, आपको बता देता हूँ कि ये इशू आया कहाँ से, क्या ये इशू है, क्या ये ट्रम है। वोडाफोन एक तो, और एक इंडिया की मेन कंपनी थी एयरटेल। ये दोनों ही कंपनियों ने टेलीकॉम सेक्टर में कुछ जो टैक्स वगैरह की या कोई इश्यूज था उसी को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पिटीशन दायर की थी कि भाई जो हमारे से रिवेन्यू वगैरह लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, वो सही ढंग से नहीं लिया जा रहा, उसमें काफ़ी कुछ कमियाँ हैं, तो उसको दूर वगैरह किया जा सके। बट अभी हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका या जो पिटीशन है उसको कैंसिल कर दिया। तो अब हम चलते हैं कि ये एजीआर है वो है क्या। देखो, ये जो एजीआर का कॉन्सेप्ट है ना, ये 1999 में जब इंडिया की न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई थी उस दौरान ये वर्ड मतलब न्यूज़ में है, वो आया था, ये वहाँ से इस वर्ड की शुरुआत है वो होती है। थोड़ा देख लेते हैं कि है क्या। देखो, इश्यूज कहाँ पे हैं। देखो, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि आपको पता है कि जो भी हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर है इनको मेनली रेगुलेट है वो करते हैं, इनसे टैक्स वगैरह वसूलने का काम किया जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो टेलीकॉम सेक्टर से पैसे लेते हैं या जो इनकम लेती हैं, अब आपको ध्यान में आया होगा कि भाई इनकम कहाँ से लेंगे। देखो, गवर्नमेंट आपको पता है कि टेलीकॉम सेक्टर को स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करवाती है, इसी के साथ ही इनको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ चार्जेस है गवर्नमेंट को पे करना होता है, और गवर्नमेंट को वहाँ से रिवेन्यू हासिल होता है। तो जो इंडिया की जो मेन कंपनी है कि वोडाफोन और एयरटेल है, इनका ये कहना है कि भाई जो टेलीकॉम सर्विस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनके जो इंटरनेट हो गया, फिर जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हम दे रहे हैं, उनसे हमें जो इनकम हो रही है ना, उस इनकम के ऊपर जितना मतलब आप टैक्स वगैरह लगा रहे हो या फिर जितना आप जो रिवेन्यू बनता है वो रिवेन्यू आप उसी से डिसाइड कीजिए। एक बार फिर आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो टेलीकॉम सेक्टर की जो सर्विस हैं, टेलीकॉम सेक्टर की सर्विस कौन सी होती हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करवाना, कॉलिंग वगैरह ये होगी, तो इनसे जो भी उनको रिवेन्यू हो रहा है टेलीकॉम कंपनियों को, उसी का कुछ हिस्सा है वो उनको एज ए रिवेन्यू के तौर पे गवर्नमेंट को देना होता है। ये तो कह रही हैं जो दो कंपनी हैं, आइडिया और जो वोडाफोन और सॉरी एयरटेल। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये कहता है कि भाई आपका टोटल रिवेन्यू देख के आपको जो पैसा है वो पे करना होगा। टोटल वैल्यू यानी आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम सर्विस हैं वो तो है ही हैं, इसी के साथ आपकी नॉन टेलीकॉम सोर्सेज से भी जो इनकम होती है, जैसे कि आपकी कोई एसेट्स है, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है, या आपने कहीं डिपॉजिट वगैरह किया है शेयर मार्केट, तो वहाँ से आपको कुछ अर्निंग हो रही है, या फिर आपने कोई जैसे कि लैंड काफ़ी सस्ता लिया था प्रॉपर्टी से, या फिर कोई जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू पैसा कमाया है, उन ओवरऑल पूरे को रिवेन्यू को काउंट किया जाएगा, और उसके आधार पे आपको कुछ पैसा है जो रिवेन्यू है जो टैक्स वगैरह के फॉर्म में पैसा देना होगा। तो जो पैसा देने की बात की जाती है उसी पैसे को कहा जाता है एडजस्ट ग्रॉस रिवेन्यू। ये यहाँ पे इश्यूज हैं कि टेलीकॉम कंपनियाँ तो ये कह रही हैं कि भाई जो हमारी टेलीकॉम सर्विस से जो इनकम हो रही है ना, इसी पे आप एडजस्ट ग्रॉस रिवेन्यू है वो लगाइए, उतना ही हम आपको पे करेंगे। बट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये कह रहा है कि नहीं भाई, हम टेलीकॉम सर्विस को नहीं देखेंगे, हम आपके जो नॉन टेलीकॉम सोर्स से भी जो इनकम हो रही है उसको भी काउंट करके आपको पैसा पे करना होगा रिवेन्यू के तौर पे, ताकि हम मतलब हमारा जो राजस्व है उसको प्राप्त कर सकें, रिवेन्यू प्राप्त कर सकें। तो ये इश्यूज है, अभी ये वर्ड न्यूज़ में है तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजस्ट ग्रॉस रिवेन्यू का मतलब है क्या, क्यों ये न्यूज़ में है। तो गाइज, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।